क्वेश्चन है, ये मास एम है, रस्सी की लेंथ एल है, यहाँ पे हिंज है, एंड ये डिस्टेंस एल बाय टू है, हाँ और इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया। यस अभी तो ये फ्री फॉल करेगा, हाँ ये फ्री फॉल करेगा जब तक रस्सी टाइट ना हो, यस और जब रस्सी टाइट होने वाली होगी तब ये डिस्टेंस एल हो जाएगा। हाँ ये एल है, ये एल बाय टू है, तो ये लेंथ हो जाएगा एल स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर बाय फोर का रूट, यस सर तो ये हो जाएगा रूट थ्री एल बाय टू एल बाय टू। यस सर इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे फ्री फॉल के कारण हो जाएगी वी इज रूट टू जी एच, यस दैट्स सर रूट टू जी रूट थ्री एल बाय टू, टू यस सर ये वेलोसिटी हो गई। ये एंगल हो जाएगा से थीटा, और ये एंगल अगर थीटा हो गया, आई कैन से थीटा इज 30 डिग्री, क्योंकि हाँ सर साइन थीटा इज 1/2 वन बाय टू, थीटा इज 30 30 डिग्री। यस सर इस क्वेश्चन में टेंशन बिकम्स इंपल्सिव, इस क्वेश्चन हाँ में टेंशन बिकम्स इम्पल्सिव टेंशन बिकम्स वेरी लार्ज। हाँ इनका इनका नाम भी डाल देते हैं, कुछ क्या नाम दे दें, जर्क प्रॉब्लम्स। तो ये तो स्टेप वन हो गया, रादर हाँ स्टेप टू में हम क्या कहेंगे, इंपल्स डायग्राम बनाएंगे। यस सर इसमें कोई सिस्टम का झंझट ही नहीं है, हाँ हम ये कहेंगे जैसे ही जर्क पड़ा तो ऐसे इंपल्स लगा, हाँ ठीक है, ये इंपल्स यस लगा, और हम ये कहेंगे इंपल्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अच्छा ये हाँ थीटा है, हाँ ये थीटा है, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग इंपल्स विल चेंज, और उसके परपेंडिकुलर वाला सेम रहेगा, हाँ ये एंगल थीटा है, हाँ तो वेलोसिटी डायग्राम जस्ट आफ्टर जर्क इज वी साइन थीटा सर इन दिस डायरेक्शन, हाँ एंड इस डायरेक्शन में कह सकते हैं कि चेंज होके वी वन हो गया। यस सर देखो ऐसे क्वेश्चनों में जनरली एक अजम्पशन होता है, वंस स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, स्ट्रिंग बिकम्स टाइट इट डज नॉट बिकम बिकम स्लैक अगेन। यस सर इसका मतलब क्या हुआ, नहीं एक बार ये हो टाइट हो गया फिर वो लूज नहीं होंगी तो ऊपर इसका कुछ मतलब कर्व वी बुक वन नहीं होगा, रहेगा हाँ मतलब अब ये कह सकता हूं कि अब ये सर्कुलर मोशन वाला कहानी ले लो, यस सर ठीक है, तो अब हमें इसकी वेलोसिटी पता है, हाँ हम ये कह सकते हैं वी नो द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर जर्क यस सर विच इज V1 साइन थीटा V साइन थीटा वी साइन थीटा, साइन थीटा तुम्हें पता है, वी तुम्हें पता है, यस ये सर सर्कल की इनिशियल वेलोसिटी हो गई एट सम हाँ पॉइंट एट एंगल थीटा। यस अच्छा हाँ इंपल्स पूछा जाए तो इंपल्स को मैं कह सकता हूँ टेकिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, यस फाइनल सर मोमेंटम इज जीरो माइनस इनिशियल मोमेंटम इज माइनस वी कॉस थीटा, यस सर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स, हाँ ठीक है, कितनी एंगल तक राइज करेगा, हाँ तो हम कह सकते हैं ये एंगल फाई तक जाएगा, जहां पर हाँ जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जीरो जाएगी। यस सर बेटा यहां पर ब्लंडर हो जाता है, हाँ मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा लेकिन होने को हो भी सकता है, मैं तो ये यस कहूंगा कि यहां से यहां के बीच में आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, हाँ और हम कहेंगे लॉस इन काइनेटिक इज गेन इन जीपी, लॉस इन हाँ काइनेटिक इज गेन इन जीपी, यस तो हाफ एम वी साइन साइन थीटा थीटा का स्क्वायर इज गेन इन जीपी
इज एम जी एल एल माइनस कॉस एल थीटा माइनस एल कॉस कॉस फाइव। फाई। यस सर। हेलो। हाँ सर। हाँ ठीक है, हाफ एम वी साइन थीटा स्क्वायर इज एम जी एल कॉस थीटा माइनस। हाँ अब गलती कैसे हो सकती है? समवन ट्राइज टू प्ले मोर स्मार्ट, ही सेज ओके फाई शुड बी 90। फाई हाँ शुड बी यस 90 क्यों? इनिशियली इनिशियली उसी लेवल से छोड़ा तो उसी लेवल पे आ जाना चाहिए। यस सर। मैंने कहा नो, जब हाँ वो इम्पल्स तो लगी है। है तो लॉस इन यस एनर्जी आई है सिस्टम पे, तुम्हें हाँ दिखाई दे रहा है इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। इनफैक्ट इट यस हैज लॉस्ट द काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू यू वी वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज द लॉस। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब यू कैन नॉट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम बिल्कुल इनिशियल से बिल्कुल फाइनल। तुम हाँ इंपल्स के बाद लगा सकते हो, इंपल्स से जस्ट पहले लगा सकते हो, यस इंपल्स से जस्ट पहले से जस्ट बाद के बीच में नहीं लगा सकते, हाँ कोलिजन से जस्ट पहले और जस्ट बाद में नहीं बता लगा सकते, अनलेस दे से कि ई इज वन, जो कि इसमें यस एक्चुअली सर। ई वन नहीं है, इसमें ई एक्चुअली जीरो है। टेक्निकली स्पीकिंग ई जीरो है, वी सेपरेशन इज यस जीरो। हाँ